हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो आज कितनी तारीख है? 29 है आज मेरे ख्याल में, 30 अगस्त। तो यहाँ पे कपड़ों की धुलाई हो रही है, और ये कपड़े सुबह के भिगो दिए थे, तो फिर मैंने बोला चलो इनके साथ मैं भी धोती हूँ, मतलब सिखा ही रही हूँ अभी। ऐसा मना कर रहा था, पहले जिद कर रहा था कि आप रहने दो, आप मत दो, आप मत दो। तो मैं गुस्सा हो रही थी कि मेरे पास दे दे जल्दी जल्दी से, जो है हम ना माँ बेटा दोनों कर देंगे। फिर मैंने शानू को बुलाया, मैंने कहा वो भी कुछ नहीं करता। और पता है क्या है, बच्चों को ना हमेशा से ही शुरू से ही ऐसी आदतें लगानी चाहिए, ताकि वो बड़े होके ऐसा नहीं है कि ये रहते ना कि चलो जी अभी माँ धो रही है, या कोई भी काम के बाद में पत्नी आ जाएगी और इसकी बीबी आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी सोच नहीं होनी चाहिए। वो इसकी आएगी, वो भी तो इतनी फ्री थोड़ा ना होगी कि मतलब चलो फ्री है तब भी, लेकिन अगर ऐसा कोई टाइम पड़ता है, हरी बीमारी कुछ भी, तो साथ में बच्चे भी हमारे काम कर सकते। हमें ना वो प्रथा चेंज करनी होगी कि बहुओं को सारा काम करना पड़ता है, ये प्रथा हमें ना चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पे थोड़े से धुले थे हमने, तो मैंने यहाँ पे ना, मैं अब इनको बखाल दूंगी। बखालना का मतलब साफ पानी में निकाल दूंगी। तो मुझसे पूछा अभी तक किसी ने कि जो पानी है साफ है, तो हाँ जी ये पानी साफ है, साफ पानी आ रहा है ऊपर बॉडी से आ रहा है। ये बरसात में ज्यादा हो जाता है तो बढ़ जाता है, अदरवाइज जो है ये गर्मियों में या सर्दियों में बहुत कम मिलता है यहाँ देखने को ये पानी। ये बरसात में ही हो जाता है ना ज्यादा, चारों तरफ से पानी निकलता है, तो इस तरह से। तो मैं ये बोल रही थी कि हर माँ को मतलब वो होता था ना पुराने टाइम में कि बहुएं बहुएं, बस बहुएं करेगी जो कुछ करेगी, और बेटों को जो अपने को बड़े उसमें रखना लाड प्यार में, और बहुओं को जो है काम करवाना कि ये बहुओं का काम है, ये बहुओं का काम। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ए, हमने आपने शायद ये सब कुछ सहन किया है, तो ये बिल्कुल निकाल दी। बेटियों को और बेटों को बराबर से काम सिखाइए, किसी की चाहे बेटी है किसी के चाहे वो है, तो ये नहीं है चलो बहू कुछ काम कर रही है तो अगर बेटा घर में है तो उसको बोलो तू ही कपड़े धो दे, या तू ही गायों को दूके ले आ। वो जॉब कर रहा है ठीक है कोई बात नहीं, जब घर आता है तो सारे काम वो करे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है, आगे तो भगवान जाने। और यहाँ फिर मैंने शानू को बुला लिया, ये बहुत निकम्मा है, ये बहुत ज्यादा निकम्मा है पर वह सब सीख रहा है, ये देखो ये सिखाता रहता है। एक तो ना हनी इसको करने देता, अभी बोलता है तू रहने दे तेरे से नहीं होगा, तेरे से साफ नहीं होगी। मैंने कहा तू इसको निकम्मा बना रहा है दिन प्रतिदिन, तो बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों। बोलता मम्मी हम काम वाले हैं। तो फिर यहाँ पे हनी ने बोला कि तू ना सूखने डाल, तो ये मैंने जो साफ पानी में निकाले थे कपड़े वहीं पे रखे, तो अब इनको हमने बोला इसको कि इसको ना किसी काम में लगाना पड़ता है, अदरवाइज ना ये कुछ नहीं करता। और फिर वो होगा, फिर कहते हैं ना बहुएं कहती है बेटों को कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे को क्या सिखाया है इससे पहले कि ये बोले, मैं बोलती इसको बोलती हूँ कि तू तो मेरे को पक्का गालियां सुनाया करेगा अपनी अपनी घर वाली से। बात भी सही है, ये भी कर जब करेगा नहीं कुछ नहीं तो वो तो पड़ेगी पड़ेगी भाई, इसको क्या सिखाया है ना। तो मैं ये चाहती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता औरों की क्या सोच है, लेकिन मैं सबको यही बोलती हूँ, क्योंकि आजकल पता है जब ये स्कूल जाते हैं तब तो इनसे इतना काम नहीं करवाते हम। काम क्या करवाना, सुबह 9 बजे निकल जाते हैं, 8 बजे तो तैयार होने लगेंगे, 9 बजे निकल जाएंगे, शाम को 4-5 बजे घर आएंगे, तो फिर क्या काम करवाना, फिर इनको स्कूल का ही बहुत होता है। फिर भी थोड़ा बहुत आदत होनी चाहिए बच्चे को, जैसे अपनी थालियां धो दी, खाना खाया कि चलो अपने थालियां धो दो, इस तरह से ना थोड़ी थोड़ा 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 करके, ये नहीं कि इनके ऊपर सारे प्रेशर डाल दो कि तुमने ही करना। तो आजकल तो ये फ्री है, तो पर पता क्या, इनके घर रहने से ना इनको काम सिखाने के चक्कर में मैं आलसी होती जा रही हूँ, तो जब ये स्कूल जाएंगे तो फिर मैं फिर से मेरा काम प्रॉपरली शुरू हो जाएगा। अब तो देख रहे हो ना कि मैं अभी भी काम करती हूँ पर उतना नहीं कर पाते, मतलब करती तो हूँ पर करती नहीं कि चलो ये काम बच्चों को सिखा दूँ, ये वाला बच्चों को सिखा दूँ। तो मौसम कुछ ऐसा है, बस बादल भी हैं और बारिश भी होती रहती है, बीच में धूप भी रहती है। देखो ये कपड़े धो रहे हैं और मैं ना हाउसवाइफ चली, छोटे वाला बहुत ज्यादा वो है, मतलब बहुत प्यार से करवाना पड़ता है ऐसे काम, ये वो फलाना, नहीं तो ये इसका ना बिल्कुल मन नहीं करता काम करने को। और फिर मैंने जाना, फिर मैंने पार जाना, जहाँ पे नया काउ शेड है ना वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे घास भी काटूँगी, कितना हरा हरा हरा, कितना सुंदर लगता है ना, कैमरे में भी बहुत सुंदर लगता है।
तो है नहीं, आवाज लगा रहा है अभी। मैंने भी धुनी गाय भी, आप कहाँ चले? मैंने मैं गाय धुनी चाहे इसको बोला नहीं ना मैंने अभी। कितनी बड़ी दीवार दी थी, ये दीदी का घर है ना, बहुत बड़ी दीवार गई थी पत्थर की ऊपर तक। दीदी के बिना भी अजीब जैसा लगता है यहाँ पे, जब वो होती है ना तो ठीक रहता है, गप्पे गुप्पे मारने को। दीदी के पास बैठ जाती मैं, बाकी मैं नहीं बैठती किसी के पास। मुझे जाना है पार, तुम्हें जल्दी आगे पौड़ियाँ साफ की थी। ये देखो हनी गाय बांध ले आया था, उसने गोबर भी नहीं उठाया। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ नया काउ शेड में। काफी लोगों ने बोला था कि हमें अपना नया काउ शेड दिखाइए। अभी ना मैं यहाँ से लाइव गई थी हिमाचली ऑलराउंडर चैनल पे लाइव गई थी मैं, तो लोगों ने बोला कि क्लियर नहीं दिख रहा है, आप वीडियो बना के दिखा देना। तो बस ये साथ में सड़क है, मैं घास काट रही हूँ, मतलब एक फूल और काटना मैंने। और ये देखो ये हमारा नया काउ शेड है, ये देखो सेटरिंग खुल चुकी है। अब ये बाहर की खुरलियाँ हैं, यहाँ पे बाहर पशु जो है घास खाएंगे। और ये है, और अंदर ये पौड़ियाँ ऊपर को गई लैंटर को। और ये देखिए ये है यहाँ पे, यहाँ से दिखा देती हूँ मैं, अंधेरा आ रहा है। ये देखो काफ़ी बड़ा हॉल है, पीछे कोई खिड़की नहीं है, बस सामने दो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ ताकि अच्छे से हवा आ जा सके पशुओं को, है ना। और बस ये पौड़ी हैं ऊपर को, यहाँ पे देखेंगे क्या बनेगा, अभी काफ़ी काम है। और यहाँ पे डंगा लगेगा, मिस्त्री नहीं आ रहे हैं, आप लोग पूछ रहे थे ना कि क्यों क्यों लेट कर रहे हो, मिस्त्री नहीं आ रहे अभी, मिस्त्री अपने अपने कामों में सारे बिजी हैं। तो बस देखते हैं 2-4 दिनों में करवा देंगे, ऊपर करेंगे हम अपने लिए रहने को, देखते हैं कब होगा अभी पता नहीं है, पर करेंगे ज़रूर। और मैं यहाँ पे ना घास काट लूँ, अब थोड़ा सा दिखा दिया मैंने, अभी बहुत सा काम अनकम्प्लीट है, सारा ही अनकम्प्लीट है। ये देखिए ये मैं घास काट रही हूँ यहाँ पे, साथ में ही सड़क है, यहाँ पे 2 दिन को हमारे को अच्छा रहेगा। और ये सामने को, वो सामने हमारा गांव है, देख रहे हो आप, वो बिल्कुल सामने, साथ में मक्की के खेत हैं। तो चलो बस मैं यहीं पे अब वीडियो मतलब एंड नहीं कर रही हूँ, इस क्लिप को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ, अंधेरा हो रहा है, मुझे एक पुला और काटना है, फिर मैं मेरे पास घास हो जाएगा। आंखों में चला गया था तिनखा तिनखा तिनका, ठीक है फिर, है ना। तो अब मैं ना चल पड़ी हूँ घर को, अंधेरा होने ही वाला है अब। ये देखो मक्की के खेत, खड़े होके दिखा दूँ मैं मक्की में, ये हमारा ही खेत है ये देखो। और बरसात के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत पानी निकलता है, सड़क में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। कल यहाँ पे एक टिप्पर फंसा था रेते का, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से चुराया। ये देखो पानी 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 पानी, पता नहीं 3-4 घंटे तक लगी रही मशीन यहाँ पे। हरियाली हरियाली दिख रही। तो हाँ आप लोग सुनाइएगा आप लोग कैसे हैं। और अब तो कोरोना का कुछ ऐसा ही हो गया है, भी नहीं भी ये लॉकडाउन है भी, बस अब आदत भी पड़ चुकी है अब, है ना, लॉकडाउन की, मास्क की, कोरोना सुनते सुनते। चलो मैं रास्ता दिखाती हूँ आपको। तो ये देखो आजकल तो ऐसा ही रास्ता मिलेगा देखने को, ओ देखो पार तक, यहाँ से जाऊंगी मैं। कहीं कहीं पे तो लोगों ने काट दी है घास रास्ते का, और कहीं कहीं पे नहीं काटा हुआ है, बड़ी दिक्कत होती है, चला नहीं जाता घास में। ये देखो यहाँ तो काट दिए आगे जैसे नहीं काटा हुआ। अब नहीं काटता है, देखो डर लगता है बरसात में ना ऐसे घास में।
पता ही नहीं लगता पैर कहाँ रखना। देखो हनी आ गया मेरे घास को। चला जा। चल पासवर्ड आओ क्या? चलो, नहीं चलो मैं क्या करना चाहिए तेरे? जा दे घर भी जाओ। तू यही कहा देना। हाँ जाओ यही देना सारा। हाँ कल कर अभी जाएगा घास लेके। हैं इसे सूख जाऊंगा कल का। आ इस रन दिया जो पैग लेंदर ते सुरन दिया जो पीछे जो पूरे तीन का पूरे देने मेरी ये माँ तो मैं क्या इन्हें ड्राई थी आऊँ ये क्या लग रहा देखने मतलब पता नहीं क्या आया तीन का पूरे देने जाते हैं ना तीन ने देने पर बार रजू से पानी पिला लिया। आज सर पानी खोले बहुत करी कोशिश है क्या की देना है। ये चला गया घास लेके अब मैं करती हूँ काम खाना को तीन आ पानी पिला दिया घर में। हनी गोल्टू ले आया दो को कहती है कौन आया था ले उपले बोल रही थी मैं उपले लेके आना मैंने कहा जलाने को ना आजकल बरसात में उसके उनके बिना ना आग नहीं जलती। हाँ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने। तो हाँ जी जय माता दी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? ये सुबह का टाइम है। जो पिछले पीछे तक आपने वीडियो देखा वो एक दिन पहले का है, ये जो ये संडे का है, मतलब संडे को जिस दिन वीडियो आएगा तो 23 तारीख का। तो यहाँ पे ये अखरोट है। मैं सुबह आज ना मेरी ड्यूटी दूध देने लगी थी, मैंने बोला कि मैं दूध देने जाया करूँगी रोज ना, तो ये यहाँ पे ये किसी और की काउ शेड है, आशु नहीं आशु उनकी मम्मी है ये इनका वेट कर रही थी मैं। तो यहाँ पे अखरोट का पेड़ है इनका, तो ये मैंने वहां से एक पत्ता निकाला, तो इसको धोने की जरूरत नहीं होती, बारिश से वैसे भी आजकल साफ सुथरे रहते हैं पत्ते, तो आंखों में सोजिश रहती है मेरी सुबह सुबह। देखो मैं काउ शेड से ना सीधा जा रही हूँ, दांत भी मेरे ऐसे ही है, ज्यादा घने नहीं है, दो चार बिरले बिरले दांत है, जल्दी साफ हो जाते हैं, इनको ज्यादा ब्रश की जरूरत नहीं होती। तो ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ सड़क के पास, और यहाँ से मैं आपको, यहाँ ना मकान बन रहा है किसी का, और ये जो अखरोट की मैंने बताई ना, इसको सारे गांव के लोग ऐसे ही करते हैं, तो दांत साफ रहते हैं, होंठों पे एक वो दूसरा रंग जैसे संतरिया वो कलर अपने आप ही होता है ना अखरोट के दांतों में, तो और बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं इससे दांत, हमारे तो नहीं होते थे मायके में, पर ही होता है बचपन से। तो मैं मतलब मैं इसकी दातुन करती हूँ, टिम्बर की दातुन करती हूँ, बड़े की दातुन करती हूँ, मैं ब्रश बहुत कम मतलब वो करती हूँ, जो कोलगेट वगैरह होता है ना उसको, क्योंकि मेरे दांत इतने घने नहीं है कि इसमें जो कुछ ज्यादा फंसे, बिल्कुल बिरले बिरले दांत है। और कहते हैं कि जिस, आपने सुना है बिरले दांतों के जो क्या होता है, पता नहीं सास का प्यार नहीं मिलता है, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, एक कहावत है, आपके भी होती हो, आपने भी सुनी होगी तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। देखो आगे हम दूध देके बुबू भी आ रही है पीछे। याद रही जाओ मुँह एक मानू हो रही है ना बुबू। बाकी लोग और जगह को गए, नीचे से हम आते हैं दो। मैं भी बहुत दिनों बाद आ रही हूँ, आज आना चाहिए। अब सुबह सुबह ना एक एक्सरसाइज हो जाती है, ऊपर को आना फिर इतने नीचे को फिर से आना घर को, मैंने छोड़ दिया आजकल। मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, मैं कुछ नहीं, बच्चे कर देते हैं वो कर देते हैं, तो अपने आप काम नहीं छोड़ना चाहिए। ये देखो अखरोट भी पकने वाले हैं हम कुछ दिनों में, है ना बाबू? कोड हाँ ये देखो। तो ये देखो अखरोट हमारे मतलब यहाँ पे तैयार होने वाले हैं, दिखाऊंगी मैं आपको कि कैसे ये निकालते हैं यहाँ से, किस तरह से, और फिर कैसे इसको सुखाते हैं, और मैं दिखाऊंगी आपको। अभी कुछ दिन बाकी है इनको निकालने में। तो ये बड़ी दीदी का घर है, निचली साइड भी हमारे गांव का ही, हम घर को जा रहे हैं ना, मैं और वो दीदी आ रहे हैं जो दूध देके, तो हम घर को जा रहे हैं, तो एक यूट्यूब यूट्यूबर का कैमरा तो हर टाइम ऑन रहता है, कहीं पे भी कुछ दिखा तो चलो करो शूट। ऐसी होती है यूट्यूबर की लाइफ।